नमस्कार, डिजिटल भारत न्यूज में डिजिटल टॉक शो में मैं लवली आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे शो में हमारे गेस्ट हैं जबलपुर शहर के प्रथम नागरिक, हमारे शहर की महापौर डॉक्टर स्वाति सदानंद गोडबोले जी। हम इनसे चर्चा करेंगे आज नगर निगम सदन की राजनीति को लेकर, हमारे शहर के विकास को लेकर और आपके व्यक्तित्व को लेकर। मैम, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपका सफर पार्षद से लेकर महापौर तक का कितना संघर्षमय रहा। संघर्षमय तो नहीं कह सकते, परंतु फिर भी एक व्यक्ति के जीवन में एक मोड़ लाने का काम, अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़, एक टर्न लाने का काम महापौर पद का। और महापौर पद के पहले भी पार्षद का जब चुनाव मैंने लड़ा और जीता, तो वो मेरे लिए सबसे टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि 93 से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में काम कर रही थी, लगातार कार्य करती आ रही थी। हर कार्यक्रमों में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कैंपेनिंग हो चाहे कुछ भी, हर कार्यक्रम में अटेंड करना, उसको सुनना, भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है उस पर सब कुछ देखते हुए फिर आगे बढ़ना, ये निश्चित रूप से मैंने देखा था। परंतु कभी पार्षद का चुनाव लड़ने का वगैरह कभी मैंने विचार भी नहीं किया था। पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो 50% नगरीय निकायों में जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही, निश्चित रूप से महिलाओं को मात्र राजनीति के बारे में सुनना ही नहीं चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए। और सोचने के बाद उसमें मतलब एक क्रियान्वित होकर के और क्रियाशील होकर के उतरना भी चाहिए, इसलिए क्योंकि महिलाएं हर वो चीज़ उनको समझना बहुत आवश्यक है जो हमारे, क्योंकि महिलाएं देश की 50% जनता में से है, तो निश्चित रूप से महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा योगदान देश की राजनीति में होना चाहिए। और फिर इसलिए मैंने जब पहला पार्षदी का चुनाव लड़ा, तब मतलब मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक तरीके से नाम आया, और मैंने सोचा भी नहीं था तब आया। और निश्चित रूप से तब मेरे हस्बैंड तब सदानंद गोडबोले जी तब एक्टिंग मेयर थे, और तब हमारा जो वार्ड था सुभद्रा कुमारी चौहान वार्ड, वो सामान्य महिला आरक्षित हुआ, तो फिर मेरा नाम सबको उपयुक्त लगा, क्योंकि मैं सतत एक्टिव थी पार्टी में। और फिर अचानक से 60 से 70 वार्ड बने और फिर सामान्य महिला आरक्षित हुआ वार्ड, तो फिर मात्र मेरा ही नाम चला। पर फिर मैंने सभी से हाथ जोड़ के विनती की कि अब मेरा जो विषय है संघ पर, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक, द्वितीय सरसंघ चालक थे गोलवलकर गुरु जी, उनके जीवन चरित्र पर मेरा ये विषय था PhD का, तो मैंने कहा कि अब मुझे ये कंप्लीट करना है। अगर मैं पार्षद ही लड़ूंगी, जीतूंगी, तो पर फिर पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली भाजपा के लिए, तो निश्चित रूप से तो मैं ये करना चाहती हूँ। तो मुझे सभी ने उसके लिए किया, और उसके साथ साथ पर उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई करिए, पर फिर संगठन के पद पर रहिए, तो मैं नगर उपाध्यक्ष के पद पर मैंने लगातार 5 वर्ष काम किए, और फिर ये मुझे महापौर का मतलब दायित्व मिला। हम हमारे दर्शक ये जानना चाहती हैं कि एज अ वुमेन आपको किस तरह की डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे जो लेडीज हैं, वुमेन्स हैं, वो नहीं सोचती हैं पॉलिटिक्स में आना, वो बाकी सारे अदर फील्ड्स में आगे हैं, पर पॉलिटिक्स में आने के बारे में वो इतना नहीं सोचती हैं। इसका कारण है क्योंकि एक राजनीति की जो छवि बन गई है वो बड़ी खराब सी छवि बन गई है, और यहाँ पर फिर महिलाओं को आने के लिए उपयुक्त फील्ड नहीं माना जाता, इसलिए क्योंकि जब छवि खराब होती है किसी फील्ड की, तो वहाँ पर महिलाओं के लिए पहले रिस्ट्रिक्शन आता है। और साथ ही साथ में महिलाओं के साथ ये बड़ा एक संघर्षशील विषय रहता है कि परिवार वाले भी उनको सपोर्ट नहीं करते, तो अगर इस फील्ड में आने के लिए परिवार से भी अगर सपोर्ट मिलता है, तो निश्चित रूप से बहुत सी महिलाएं इस फील्ड में आएंगी। पढ़ी लिखी महिलाओं को आना, समझदार महिलाओं को आना बहुत आवश्यक है, जो लगातार क्रियाशील है, एक्टिव है, उन्होंने इस फील्ड में आना बहुत ज़रूरी है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी इस मान्यता को, मेरे परिवार में भी उसी चीज़ की मान्यता है, और इसलिए परिवार में चूंकि राजनीतिक एक परिवेश था,
तो मुझे परिवार से भी सपोर्ट मिला, चाहे मेरे पति हो, चाहे मेरे परिवार वाले सास ससुर है, देवर है, पूरे परिवार ने, बच्चों ने भी सबने सपोर्ट किया, इसलिए मैं आज ये सब कुछ कर सकती हूँ। महापौर के काम जानना चाहेंगे। महापौर के कार्यकाल को लगभग 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, और मैम अचीवमेंट्स एज अ महापौर आपके क्या हैं? सबसे पहली मैं अचीवमेंट बताऊंगी कि 16 फरवरी 2015 को मैंने शपथ ली। पहली बार ऐसा हुआ कि महापौर 85,000 वोटों से जबलपुर से जीता। आज तक जो 20,000 25,000 से ऊपर वोट से नहीं जीता जबलपुर का महापौर। मुझे जनता का उतना आशीर्वाद मिला, इतना प्रेम मिला कि 85,000 वोटों से मैं चुनाव जीती। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी बहुत अलर्ट थे। 4 महानगरों के चुनाव एक साथ हुए थे और उन्होंने कोई भी ऐसा शहर नहीं छोड़ा कि जहाँ महापौर के कैंपेन के लिए और पार्षदों के कैंपेनिंग के लिए वो नहीं आए। उन्होंने बिल्कुल बाकायदा रोड शो में आए। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि मुख्यमंत्री का नगर निगम के चुनावों में सक्रियतापूर्वक कैंपेनिंग के लिए आना भी बहुत बड़ी भारी बात। और उसके बाद 4 महानगरों में शपथ ग्रहण समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी का आना, ये भी एक बहुत बड़ी भारी बात है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जबलपुर के धरती पर किसी भी महापौर के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री जी का आना नहीं हुआ, चाहे वो कांग्रेस का शासनकाल हो चाहे भाजपा का शासनकाल हो। शासनकाल जब शुरू हुआ तब हमारी सोच थी कि नगर निगम के तहत हमको वो काम करने हैं, फिर तभी स्मार्ट सिटी की भी कॉम्पिटिशन शुरू हुई। और स्मार्ट सिटी के तहत जो हमने कभी नहीं सोचा था, स्मार्ट सिटी में पहली भी स्मार्ट सिटीज़ में देश में सातवें नंबर पर आना और मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर आना, ये जबलपुर की हमारे कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि हम मान सकते हैं। जबलपुर में कचरे से निजात पाने के लिए हम डोर टू डोर कचरे का प्रबंध करेंगे। हम 2 साल के अंदर हम उसको शुरू करेंगे। 16 फरवरी 2017 को मेरे 2 साल कंप्लीट होंगे। उसके पहले आज आप देखेंगे पूरे शहर भर में 79 वार्डों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन शुरू हुआ। जबलपुर एकमात्र शहर है स्वच्छता के लिए पूरे साउथ एशिया में, कचरे का सही निष्पादन करने के लिए माननीय मोदी जी की जो मंशा है कि कचरे का सही निष्पादन हो, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो, सीवर हो और ODF खुले में शौच से मुक्त हो शहर, ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत करने वाले कार्य है। उसमें एकमात्र जबलपुर शहर है जिसमें कचरे से बिजली बनाने का संयंत्र 11.5 मेगावाट बिजली उसमें बनकर तैयार होगी और वो कठोंदा में बनकर तैयार है और उसका टेस्टिंग शुरू होकर के 7.5 मेगावाट बिजली उसमें बनना भी शुरू हुई। चूँकि उसका अभी विधिवत उद्घाटन नहीं हुआ है, परंतु 7.5 मेगावाट बिजली बनना शुरू होना ये भी बहुत अच्छा। उसमें नगर निगम का एक भी पैसा नहीं लगाया, वो पूरा PPP मोड में बनकर तैयार है, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। ODF में हमारे 79 वार्डों में से 50 से ज़्यादा वार्ड ODF फ्री है। उसमें हमने करीब 23,000 हमारे व्यक्तिगत टॉयलेट बनकर तैयार हो गए हैं, 11,000 टॉयलेट बन रहे हैं और 8,000 की निविदा जारी होकर के अभी उसका वर्क ऑर्डर 1 तारीख को या 2 तारीख को हो जाएगा। तो करीब 45,000 ऐसे व्यक्तिगत टॉयलेट हम जबलपुर शहर में बनाकर तैयार कर रहे हैं, उसमें भी प्रदेश में जबलपुर शहर नंबर 1 है। फिर हमारा संकल्प था, हमने संकल्प पत्र में दिया था चुनाव के वक्त, चुनावी संकल्प पत्र, उसमें हमने दिया था कि शहर के सभी चौराहों को हम अतिक्रमण मुक्त करके चौड़े करेंगे, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से जारी करेंगे। तो पहला हमने काम किया कि 16 फरवरी को हमने शपथ ली और 24 मार्च को हमने नगर निगम चौराहे के 3 पत्ती की जो रोटरी है वो हमने हटाई, लेफ्ट टर्न फ्री हमने कॉन्सेप्ट जबलपुर शहर में लाया। और जहाँ लंबे जहाँ हम देखते थे जाम लगते थे वो हमने कम्प्लीटली वो टोटल बंद किए और करीब ऐसे 10 चौराहे हमने विकसित किए और 20 चौराहों को हमने लेफ्ट टर्न फ्री करके करीब 30 चौराहे ऐसे बनकर तैयार है। अब छोटी लाइन फाटक आप देख लीजिए, छोटी लाइन निकलने के बाद आज वो इतना बड़ा शहर का सबसे बड़ा चौराहा बनकर तैयार हुआ। तो ये निश्चित रूप से हमने 2 साल के अंदर इतने कार्य किए, 25 चौराहे हमने लेफ्ट टर्न फ्री कराए और करीब 20 चौराहों पर अभी भी लेफ्ट टर्न का कार्य चल रहा है। लेफ्ट टर्न करते वक्त कहीं पे भी
बिजली के खंभे थे उनके लिए हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है एमपीवी पर, वो भी हमने लगातार लाइन से हमने 25-25, 30-30 खंभे हमने हटाए, होल शिफ्टिंग किए, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 20 चौराहों पर हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स लग चुके हैं और वहाँ पर लोग फॉलो कर रहे हैं, मेन ये भी है क्योंकि जनता भी चाहती है। और जब से स्मार्ट सिटी में हम 7वें नंबर पर चयनित हुए हैं तो निश्चित रूप से शहर के लिए एक बहुत बड़ा गौरव हमने हासिल किया है। तो कहीं ना कहीं जबलपुर की जनता को भी ये कहीं ना कहीं मन में वो तो इच्छा है कि जबलपुर शहर व्यवस्थित हो, बाकी महानगरों जैसा सुंदर दिखे, व्यवस्थित दिखे, प्राकृतिक सौंदर्य की धनी है, संस्कार धनी, उसी के तहत वो आगे बढ़े। मैम, हमारी जनता ये जानना चाहेगी कि जबलपुर मध्य प्रदेश का पहला ऐसा शहर चुना गया है स्मार्ट सिटी के लिए, तो आप दर्शकों को ये बताइए जरा कि स्मार्ट सिटी मतलब क्या, जबलपुर स्मार्ट सिटी है क्या, क्या कार्य किए जा रहे हैं, क्या होना चाहिए, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। निश्चित रूप से लोगों को इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि लोगों की मानसिकता जो है वो बदलने की बहुत आवश्यकता। अभी तक क्या होता था कि हमारे देश के लोगों की ये मानसिकता है, माइंडसेट ये बना है कि जो कुछ भी करना है सरकार को करना है, परंतु ये लोगों को समझना चाहिए चूंकि आप 5 साल बाद, हर 5 साल बाद आप चुनाव के वक्त वोट दे करके अपनी जो आपकी जो रुचि है या किसको आप चाह रहे वो तो आप बता देते हैं, परंतु आप कैसा काम चाह रहे हैं ये नहीं पता है। आप चाह रहे हैं कि हमारे मन मुताबिक काम हो, पर उसमें सरकारें आती जाती रहती है, सरकार में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मुट्ठी भर है, परंतु जनता का तंत्र है जनतंत्र, लोकतंत्र है। आप वोट देकर के जनप्रतिनिधि को सेवक के रूप में इलेक्ट कर रहे हो, इसलिए सकारात्मक सोच के साथ अतिक्रमण ना करें। भाई ये जबलपुर शहर है, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कहीं पे भी आप देखेंगे, शासकीय भूमि पर, चाहे नजूल की भूमि पर, चाहे नगर निगम की भूमि पर अतिक्रमण करना, जहाँ नगर निगम की सड़क है वो हमारी है ये सोच के कहीं पे भी कुछ भी करना, भाई इलास्टिक तो नहीं है जो जमीन है वो इलास्टिक तो नहीं है कि तन के बड़ा हो जाए और फिर जब चाहे तब छोटा हो जाए, जगह उतनी रहेगी। जबलपुर की जितनी स्क्वायर फीट जमीन रहेगी, जबलपुर का जितना एक एरिया है स्क्वायर फीट्स में, वो तो उतना ही रहेगा, पर अगर उसमें से अगर लोग कहीं पे भी कुछ भी करें और हम कहेंगे कि हम 50 साल से वहां पर रह रहे हैं इसलिए हमें यहाँ से ना हटाया जाए, पर 50 साल से आप वहां पे अतिक्रमण में रह रहे हैं, तो आप सही तरीके से हम आपको मकान बना के दे रहे हैं माननीय केंद्र सरकार द्वारा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे JNNURM की योजना है, बहुत सी ऐसी योजनाएं, राजीव आवास योजना है, BSUP है, ऐसी कई योजनाएं हैं जिनके तहत कई मकान बनकर तैयार है, पर लोग जाने को तैयार नहीं। अब हमने ये हिम्मत करी कि नहीं, अतिक्रमण हटानी चाहिए। माननीय हाईकोर्ट ने भी हमें इसके लिए बहुत सहयोग किया, सपोर्ट किया कि हाँ अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, अगर हम ऐसे ही लोग कैसे भी आड़े तिरछे कहीं पे भी लोग रहेंगे तो निश्चित रूप से शहर को महानगरीय स्वरूप प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उस अतिक्रमण वाली जो जगह थी उसको, उन लोगों को वहां से निकाल करके उनको आवास प्रदान किए जाए, उनको व्यवस्थित रूप से वहां पर बसाया जाए, तो ये है स्मार्ट सिटी, व्यवस्थित रूप से, मात्र चकाचक सड़कें ये नहीं, पर एक सकारात्मक सोच के साथ सरकार क्या चाहती है और सरकार की मंशा के अनुसार हमें उनको सहयोग प्रदान करना। हम चाहते हैं कहीं पे भी हम रहते हैं, केला खाया, गाड़ी से छिलका बाहर फेंक दिया, ये विदेशों में नहीं होता है, दूसरे बड़े महानगरों में नहीं होता है। आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगी, आप बस स्टैंड चले जाइए, बस स्टैंड पे आदमी कहीं पे भी थूक देता है, वहां पर सब कुछ चल रहा है। फिर आप रेलवे स्टेशन जाइए, रेलवे स्टेशन पर अगर चकाचक है, रेलवे स्टेशन साफ सुथरा बने, लोग पोछा लगाते हुए दिख रहे हैं, तो तुरंत आदमी सोचेगा नहीं बाबा अभी अगर मैंने डाला तो कोई आकर फिर टोकेगा, फिर तो नहीं करता है, ये आदमी की मानसिकता है। और यही आप अगर एयरपोर्ट चले जाओ तो वहां पे बिल्कुल क्लीन, वहां पे आदमी बिल्कुल दूर तक, यहाँ से वहां पे भी अगर होगा कंटेनर तो वहां जाकर के कचरा डस्टबिन में डाल के आएगा, तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता ही है। हम दूसरे शहरों में जाते हैं तो उस शहर के अनुसार चलते हैं, हमारे घर में आते ही साथ, हमारे शहर में आते ही साथ हमें तुरंत बाहर फेंक दें। थोड़ा व्यवस्थित रूप से रहो, हमें किसी के पेट पर लात नहीं मारनी है, पर व्यवस्थित रूप से रहो, उपजीविका का साधन करो, कमाओ पैसे,
रहो ना आराम से, पर निश्चित रूप से इसको स्मार्टनेस कहेंगे। मुझे आपसे अगर कुछ चीज पूछनी है, एक मैंने सवाल किया और आपने मुझे अगर दूसरा सवाल मेरा आने से पहले ही मेरे एक ही सवाल में आपने मुझे तीनों मेरे सवालों के अगर जवाब दे दिए तो क्या मुझे दूसरा और तीसरा पूछना पड़ेगा? तो ये है स्मार्टनेस। हम तुरंत कहेंगे कि अरे वाह यार मैडम स्मार्ट है, हमारे तीनों सवाल का जवाब एक ही सवाल में दे दिया। इसको कहते हैं स्मार्टनेस। आपको कैसे रहना है, एक सिविक सेंस क्या है, तौर तरीके जीने के वो सही ढंग से आने चाहिए। सही तरीके से रहो ना, इससे कुछ नहीं होना है। व्यवस्थित रूप से हमारे देश की पहचान, हम जब विदेशों में जाते हैं तो इस जाति का इस धर्म का, ऐसा नहीं है। हम भारतवासी हैं, भारत की पहचान वहां पर सही रहनी चाहिए। भारत के लोग अच्छे हैं, भारत के लोग एजुकेटेड हैं, भारत के लोग संस्कारी हैं, ये वहां पर छवि बननी चाहिए। हम अपने देश की छवि वहां जाकर के हमें क्यों सिखाना पड़ता है लोगों को कि ऐसे आपको इस तौर तरीके से रहना है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि विपक्ष में स्मार्ट सिटी को लेकर काफी डिस्कशंस होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इसका इसके लिए आप क्या कहेंगे? कि सत्ता पक्ष को कोई प्रस्ताव आता है, कोई प्रस्ताव आता है, वो ऊपरी ऊपरी बड़ा सुंदर दिखता है, परंतु उसके अगर तह तक जाओ, उसका पूरा अगर स्टडी करो, तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां या कुछ गड़बड़ियां उस प्रस्ताव में रहती है। और सत्ता पक्ष में ये होता है कि उसको अगर सही तरीके से उसका अगर अध्ययन नहीं किया जाए तो फिर वो गलत निर्णय होता है, और गलत निर्णय अगर होता है तो उसका खामियाजा मात्र सत्ता पक्ष को नहीं भुगतना पड़ता, पूरा शहर भुगतता है। और इसलिए विपक्ष की भूमिका एक सजग प्रहरी की होती है। इसलिए वहां पर जो चीजें उठानी चाहिए वो उठती है, उठानी ही भी चाहिए, परंतु सबकी सुनकर उसमें से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय क्या हो सकता है। शहर भर को अगर 5 लोगों को या 500 लोगों को तकलीफ हो रही है, परंतु अगर उसके तहत अगर 50,000 लोगों को उसको सुविधा मिल रही है तो 500 लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो 50,000 की चिंता करनी चाहिए। और इसलिए वहां पर बैठकर कभी कभी ये हो जाता है कि 500 लोगों को उसका फायदा मिलता है और 50,000 लोग वंचित रह जाते हैं। इसलिए सदन में इन सब विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, और सत्ता पक्ष को चाहिए कि विपक्ष ने जो दिए हुए हैं सुझाव उसको सकारात्मक रूप में लेकर के उस पर व्यवस्थित रूप से विचार करके कोई भी प्रस्ताव सम्मति देनी चाहिए। परंतु हम इस चीज के पक्षधर है कि कोई भी प्रस्ताव पूरे जबलपुर शहर की सुख सुविधा के लिए बनकर आया है तो सर्वसम्मति से पास हो। और अभी तक हमने इस चीज को पाला है, और विपक्ष को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने जहां सही है वहां हमारा सपोर्ट भी किया है, और जहां गलत लगा है उन्होंने हमें सुझाव दिए, उन सुझावों पर काम करते हुए हमने उन सुझावों को सम्मिलित करते हुए उस पर उस प्रस्ताव पर विचार करके आगे बढ़ा है। कि नगर निगम द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को लेकर काफी गंभीरता बढ़ती जा रही है, इसका उदाहरण देखने को मिलता है कि सुबह सुबह प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता दौड़ कार्यक्रम किया जाता है। इसमें आप और नगर निगम के कमिश्नर वेद प्रकाश जी सम्मिलित हैं। स्वच्छ भारत अभियान एक ऐसी योजना है जो कि मैंने कहा ना कि जैसे एक देश की छवि बनाना, और इसलिए जब स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम जब कार्य करते हैं तो इन चीज़ों को रखा गया था कि पर्यावरण की दृष्टि से भी, जहाँ नदियों को प्रदूषित होने से बचाने की बात आती है, और जबलपुर शहर तो ऐसा है कि जबलपुर जीवन रेखा ही जबलपुर की मां नर्मदा है और उसको प्रदूषित होने से बचाना है, परंतु फिर भी हमारा एक नैतिक दायित्व तो बनता है कि जबलपुर शहर का जो पूरा का पूरा ड्रेन का जो पानी है वो नालों से होते हुए जहाँ नर्मदा जी में मिलता है। तो निश्चित रूप से इसके लिए हमने वारीघाट में 1,00,000 लीटर का प्लांट लगा हुआ था, ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आज की अगर डेट में हम देखें तो करीब जबलपुर शहर का 3.5 से 4 लाख लीटर पानी निकलता है, पूरा वेस्ट पानी। परंतु 1,00,000 लीटर का पानी का जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, ज़्यादा से ज़्यादा वो और बढ़ता है तो 1.25 लाख लीटर या 1.5 लाख लीटर तक पानी फिल्टर करता है, परंतु बाकी जो 2 लाख लीटर पानी है वो नदी में वैसे ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं नदी का प्रदूषण तो हो रहा है,
इसलिए हमने वहां पर 4 लाख लीटर का और फिल्ट्रेशन लीटर का फिल्ट्रेशन प्लांट हमने वहां पर लगाया। और बहुत अच्छी बात है कि पूज्य संतों ने इसमें सहायता राशि दी, वो हमने जनभागीदारी में कार्य कराए। हमारे कार्यकाल की और एक उपलब्धि हम कहेंगे कि हमने जनभागीदारी में भी बहुत से कार्य कराए। क्या होता है कि जनता जब प्रहरी के रूप में काम करती है तो बहुत अच्छा काम होता है। नगर निगम से जनता को बहुत अपेक्षाएं होती है, नगर निगम एक माँ की तरह है। जबलपुर नंबर 1 के लिए जब हम कंपटीशन में उतरे, जैसे स्मार्ट सिटी के लिए कंपटीशन में उतरे, पिछले साल भारत के मात्र 73 शहर इस कंपटीशन में स्वच्छता सर्वेक्षण में उतरे थे। इस साल माननीय केंद्र सरकार ने पूरे देश के 500 ऐसे शहर जिसकी आबादी 1 लाख से ऊपर है और कुछ महानगर जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर है, ऐसे 500 शहरों को चयनित किया और उस पर जबलपुर शहर चयनित हुआ। और अब दूसरे फेज में जबलपुर नंबर 1 के लिए, तो नंबर 1 कौन आएगा? जैसे स्मार्ट सिटी में पहली 20 स्मार्ट सिटीज उसमें अपना 7वां नंबर लगा, वैसे ही अब नंबर 1 की होड़ में आज उसके तहत जहां स्मार्ट सिटी में हम चयनित हुए, एक शहर भर में उत्साह की लहर दौड़ गई। अब जबलपुर को नंबर 1 स्वच्छता में बनाने के लिए लोगों में भी उत्साह जागा है कि हाँ, निश्चित रूप से काम करना चाहिए, पर हमें सहयोग देना चाहिए। तो जबलपुर खुद, जबलपुर की जनता खुद होकर के उसमें कार्य कर रही। जैसे हमारे अभी जो जोन नहीं हुए थे डोर टू डोर के लिए, तो लोग वहां से आकर के पूछते थे हमारा जोन कब हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक लोगों में उत्साह है, वो दिखाई दे रहा था। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, लोग चाह रहे हैं कि जबलपुर में ये चेंजेस, ये परिवर्तन आना चाहिए। मैं अब ये जानना चाहूंगी आपसे कि जैसे महाराष्ट्र के स्वच्छता अभियान को लेकर, मुंबई शहर के स्वच्छता अभियान को लेकर सलमान खान एज अ ब्रांड एम्बेसडर वहां पर वर्क कर रहे हैं, तो क्या हमारे जबलपुर को कोई फेमस पर्सनालिटी मिलेगी एज अ ब्रांड एम्बेसडर? कोई फेमस पर्सनालिटी का चेहरा सामने आएगा? जबलपुर को फेमस पर्सनालिटी की आवश्यकता नहीं है। जबलपुर में जो अर्जुन अवार्डीज है और अच्छे जो खेल का प्रदर्शन कर चुके हैं, अच्छे अच्छे जो प्लेयर्स रहे जबलपुर के, उन्हीं लोगों को हमने इस काम में लगाया है। और उन्होंने जितना अच्छा काम किया है लोगों को जागरूक करने का, निश्चित रूप से सलमान खान के पीछे जितने लोग दौड़ेंगे उतने ही लोग कचरा करेंगे। पर अगर हमारे शहर की जो जानी मानी हस्ती थी, जो कभी नेशनल लेवल तक जा कर के जो खेल का प्रदर्शन कर चुकी है, जबलपुर का नाम रोशन कर चुकी, उसके पीछे जाएंगे लोग, तो वो सही तरीके से जागरूक होकर के जाएंगे, रास्ते पर कचरा नहीं करेंगे। आज भी हम जब सलमान खान को या हेमा मालिनी को देखने जाते हैं, तो जितनी देर हम हेमा मालिनी का या सलमान खान का इंतजार करते हैं, तब तक कुछ ना कुछ चने मूंगफली खाते और शहर की सड़कें खराब करते हैं। तो निश्चित रूप से हमें उन पर्सनैलिटीज की आवश्यकता नहीं हमारे शहर को जागरूक करने के लिए, हमें हमारे ही शहर की जो सेलिब्रिटीज हैं उन्हीं से जागरूक करना है शहर की जनता को, उसी से काम होने वाला है। वो तो आकर के और हमारा शहर कचरा करके और गंदा करके चले जाएंगे, और जबलपुर की जनता को समझ में भी नहीं आएगा कि उनके कारण हमारा शहर गंदा हो रहा है। सल्यूट टू यू मैम इस नई सोच के लिए। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये बारिश का मौसम था 2016 का, हमारे शहर वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, सड़कों पे रोड पानी भर जाना, घरों के अंदर पानी आ जाना, उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी थी वो बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी। तो जल प्लावन का के लिए क्या प्लान किया गया है भविष्य में? जो बारिश का पानी है, वर्षा जल निकासी का पानी है, उसके लिए बनी है। और अगर हमारे घरों से अगर कभी हम धोते हैं, कुछ होता है, तो घरों का पानी या ड्रेन, घर का जो ड्रेन है, बाथरूम का पानी, या बाथरूम का भी नहीं कहना चाहिए, जो हम किचन का पानी, पहले जमाने में ऐसी इतनी टेक्निक नहीं थी, तो होता था कि छोटी छोटी नालियां बना करके वो फिर उसमें से निकाल देते थे, या झाड़ों में पेड़ों में हम छोड़ देते थे वो पानी, तो उससे पेड़ पौधे भी जीवित रहते थे, हमें पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये पुरानी व्यवस्था थी, उसके तहत वो घरों के सामने बनी जो नालियाँ हैं वो वर्षा जल निकासी के लिए है। परंतु आज अगर हम बैठे, तो ठंड के दिनों में आप किसी भी घर के सामने बैठिए, जाकर के देखेंगे महिलाएं बैठी है, वही कहीं मेथी पालक तोड़ रही है और वो पूरा का पूरा मटर छील रही है और वो कचरा लेकर के नाली में डाल रही है, तो वो डस्टबिन नहीं है।
अगर उसका डस्टबिन जैसे हम उपयोग करेंगे। अच्छा, अभी तक क्या था कि इन 10 वर्षों के पहले पॉलीथीन का उतना प्रचार प्रसार नहीं था। आज पॉलीथीन मतलब हमारी जैसे जरूरत या मजबूरी हो गई है। हम घर के घर से बाहर निकलेंगे, पहले हम जाते थे सब्जी लेने खरीदने, हम थैली लेकर के निकलते थे। आज हम खाली हाथ निकलते हैं और लौटते में हाथ भर के थैलियाँ लेकर के आते, पॉलीथीन में पूरी सब्जी वब्जी लेकर के आते, कोई भी चीज़ लेकर के आते। और ये जो पतली पॉलीथीन में भर के हम पूरी की पूरे जो कचरा है वो हम जब नालियों में फेंकते हैं, वो कचरा तो गलता है पर वो पॉलीथीन कभी नहीं गलती है। और वही जा कर के उस नालियों में जा कर के अड़ता है और जो पानी निकल जाना चाहिए वो नहीं निकलता है। इस साल की बात आप करेंगे, 2016 में अतिवर्षा हुई, जहाँ आप अपने बाथरूम में ही एक बाल्टी भर पानी यानी 25 लीटर या 50 लीटर पानी डालने के हिसाब से जो आप नाली बनाते हैं, एक जो आपका ड्रेन वाला जो एक छेद होता है, उस छेद में 25 लीटर से 50 लीटर तक पानी जाना चाहिए। उसमें आप अगर 100 लीटर पानी एकदम से उंडेल देंगे तो पानी निश्चित रूप से बाहर आएगा। कहीं ना कहीं ये जो एक टेक्निकल बात है ये है, अगर सतत धार लगातार अगर बारिश चार चार पांच पांच घंटे या दो दो तीन तीन घंटे मूसलाधार बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जहां से लगातार कितना पानी जाना चाहिए, एक घंटे में इतना मिलीलीटर इतना एमएम पानी बरसना चाहिए, अगर हम कहते उस हिसाब से वो पानी बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं जाकर के यही जो पन्नियां जाकर के चौक होती है और फिर वो बैक आता है पानी और इसलिए हमारे घर में पानी आता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये चीज़ हमको छोड़नी है कि नालियों में कचरा नहीं डालना है, पॉलीथीन्स नहीं डालनी है, पॉलीथीन का कम से कम उपयोग करना है, या फिर अगर आप उपयोग कर भी रहे हैं तो कठौंधा में पूरा का पूरा कचरा जा रहा है उसमें सब पॉलीथीन जाएगा, उससे बिजली बनेगी, हमको भी फायदा होगा आपको भी फायदा होगा, और वो डस्टबिन में डालो, डस्टबिन में रखो, दूसरे दिन कचरा दे। ये जागरूकता का परिचय हम सब लोगों ने देना चाहिए। कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अगर हम चाहे हम अपने घरों तक मात्र सीमित रहते, अपना घर साफ करते, दूसरे के घर के सामने कचरा डालते, ये ना करें। हम जहाँ रह रहे हमारे लेफ्ट का एक घर और राइट का एक घर, यहाँ तक इतना पोर्शन हम सफाई रखेंगे। इन तीन लोगों ने, अगर मैंने ये लेफ्ट और राइट का किया, आपने उधर का लेफ्ट और राइट का किया, तो यही ऐसी छोटी छोटी कड़ियाँ बड़ी बनती जाती। इतना ही अगर जागरूकता का काम अगर हम करेंगे तो पूरा जबलपुर शहर साफ सुथरा होगा और स्वर्ग से भी सुंदर दिखेगा। मैम ये तो है हमारे डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, लेकिन जो गरीब थे जिनके ठेले वो लगाया करते थे अब वो हटा दिए गए, तो नगर निगम उनके लिए क्या सोच रही है, उनके रोजगार को लेकर क्या प्लान है? हटा नहीं दिए गए हैं, नगर निगम ने दो जोन बनाए, एक रेड जोन और एक ग्रीन जोन। तो जहाँ ग्रीन जोन है तो रेड जोन में तो कहीं पे भी ठेले टपरे नहीं लगाने, क्योंकि उस शहर की मेन सड़कें हैं जो जो मेन रोड से, उस पर छोटे छोटे ठेले टपरे नहीं लगने चाहिए, यातायात में बाधा होती है। जहाँ ग्रीन बेल्ट है वहाँ पे भी ऐसी जगह पर रखना चाहिए, और अगर आप लगाते भी हैं तो वहाँ पर आपको डस्टबिन रखना बहुत आवश्यक है। तो रेड जोन में आपको नहीं लगाने हैं ठेले टपरे, तो उनको उठा करके फेंक नहीं दिए जाते हैं, यहाँ पे आपको नहीं लगाना। अब हर बार यही बोला जाता है कि हम सालों से यहाँ पे लगा रहे हैं, पर अब जब व्यवस्था जब बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ से ज़्यादा आपको वहाँ पे एक जगह व्यवस्थित रूप से आप बसे जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी बहुत फ़ायदा होगा। हाँ ये है कि आपकी यहाँ पर रोज की आदत बन गई, सालों की आदत बन गई, इसलिए वो आपको अच्छा नहीं लगता है। पर कहीं पे भी आप यहाँ एक अकेले खड़े हैं, पर अगर आपके साथ अगर चार आप ही के स्टाइल के, अगर आप ही के उपजीविका वाले अगर चार लोग अगर खड़े रहते तो आपको कॉम्पिटिशन मिलता है, और उस कॉम्पिटिशन के तहत आपको सही आपका आकलन हो करके आपको सही न्याय मिलता है, आप उस हिसाब से मेहनत करते हो तो निश्चित रूप से आपकी उपजीविका जो है वो और ब्रॉड होती है। मैम नोटबंदी के 50 दिन हो चुके हैं, इसका आपका क्या, इस पर आपका क्या दृष्टिकोण है? माननीय मोदी जी का निर्णय सराकों पर निश्चित रूप से, हमारी सोच छोटी है, उनकी सोच बड़ी है। उन्होंने पूरे देश की 125 करोड़ जनता, तो हमें तो मात्र 12 लाख ही जनता के सोचने तक ही की हमने सोच रखी है, परंतु उन्होंने जो
चीजें, और उन्होंने आज तक जो 2.5 साल में जो जो चीजों में अमल किया है और उसकी जनता ने बहुत सराहना की है। दिक्कतों का सामना, कोई भी जब अच्छी चीज लागू की जाती है तब दिक्कत तो होती है। जैसे हमें अगर अच्छी आदत लगानी है, जैसे हमने स्वच्छ भारत के लिए जैसे बोला कि कचरा या हवा में फेंकना है, जो आदत में आया था तो वो अब आदत कार में बैठ के उन्हें अपने अपने पॉकेट में रखना है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी आदत लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। और कुछ ना कुछ जहाँ जनता ने उसकी सराहना की है, तो निश्चित रूप से मोदी जी 125 करोड़ जनता का विश्वासघात तो नहीं करेंगे, निश्चित रूप से उनके कसौटी पर वो खड़ा उतरने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे और भारत की जनता भी उन्हें भरपूर आशीर्वाद देंगी और वो आगे भी हमारे जनता के लिए, भारत की जनता के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे। जबलपुर नगर निगम द्वारा संचालित स्वच्छता अभियान की कार्य प्रणाली को देखकर केंद्र सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है जिसमें आपकी पिक्चर भी नजर आ रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक बहुत अच्छी पहल हुई है कि जबलपुर नगर निगम को केंद्र सरकार के साथ कार्य करने का एक मौका मिला, एक अवसर मिला। छोटी सी बात है, हर संभव प्रयास जबलपुर नंबर वन स्वच्छता में, जबलपुर को अग्रणी लाने के लिए, जबलपुर को नंबर वन पे लाने के लिए एक छोटा सा प्रयास हमने और किया और हमने एक पोस्टल जो लिफाफा होता है, पोस्ट कार्ड नहीं लिफाफा, उस पर नगर निगम की जो बिल्डिंग है उसको भी आज 152 साल हो गए हैं, सबसे पुरानी बिल्डिंग है नगर निगम की, उसका मतलब चित्र है उस लिफाफे पर, और जबलपुर नंबर वन JVP नंबर वन का एक मोनो उसमें दिया है, स्मार्ट सिटी का दिया है। जो हमारी इच्छा है, जो आकांक्षा है कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, हमें चाहते हैं कि ये हमारे साथ हो, जबलपुर को मिले, और जो हमारे पास है, जो हमारी धरोहर है और जो हमने उपलब्धि हासिल की है, उसकी सबकी एडवर्टाइजिंग करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि केंद्र सरकार के पोस्टल विभाग को हमने बोला कि आप हमारे लिए एक पोस्टल ये लिफाफा हमको बना के दीजिए, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। और जब फिर उन्होंने देखा कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में है कि एक जो पोस्ट स्टैम्प होता है, स्टैम्प के बगल में एक छोटा सा चौकोन रहता है, एक स्क्वायर रहता है, उसमें एडवर्टाइजिंग के हिसाब से कुछ आप करा सकते हो, तो एडवर्टाइजिंग के हिसाब से आप अगर कोई चीज़ अगर लगा सकते हो तो वो भी आप कर सकते हो। पर जो पोस्टल विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने उसका फ़ायदा उठाते हुए आज 1 साल पूर्व ही वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने जब जबलपुर शहर की गति, विकास की गति देखी, उन्होंने खुद कहा कि ये होना चाहिए और उन्होंने खुद मेरा फोटो उसमें आकलित किया। मुझे भी नहीं पता था, ना कमिश्नर साहब को पता था, कमिश्नर साहब को उन्होंने एक ऐसा स्टैम्प दिया है कि उसके बगल में एक फेरी क्वीन करके इंजन का फोटो है, वो ऐसा एक स्टैम्प है, उसके बगल में एक फोटो है, तो वो कमिश्नर ऑफिस के लिए उन्होंने एक प्रेजेंट किया, हमें एक गिफ्ट के रूप में उन्होंने दिया है और उन्होंने कहा कि हम पूरे सभी पोस्ट ऑफिस में इसको उपलब्ध करा देंगे, जब तक हमारा जबलपुर की चर्चा है तब तक हम सभी, अक्सर जबलपुर प्रचार प्रसार में पिछड़ जाता है, तो ये एक एडवर्टाइजिंग का मामला है, कोई मैंने उसको नहीं वो प्रदर्शित किया है कि मुझे अपनी फोटो चाहिए, तब उन्होंने कहा कि एज अ मेयर आपको ये देना चाहिए, तो हमारी ऑफिस से जो भी पत्राचार होगा तो उस पर वो चीज़ अगर आ जाए तो जबलपुर का नाम बढ़ता है आगे, वो भी आदेश जारी किया, हमारे जबलपुर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये हमारे लिए बहुत अचीवमेंट है बड़ी, क्योंकि उन्होंने चाहा कि हाँ एज अ मेयर आना चाहिए, ये जब जबलपुर नंबर वन के लिए भी जब लग रहा है, तो कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों तक, महीनों तक चलेगा, बाद में हो सकता है नहीं भी चलेगा, पर देश विदेश में सब जगह जाएगा, तो जबलपुर की तो उपलब्धि है जी। हमारे जबलपुर का भी प्रमो हो रहा है इसके साथ ही जी, बिल्कुल। श्री सदानंद गोडबोले जी, आपके हस्बैंड है, इन ये पूर्व महापौर भी रह चुके हैं, इनका कितना मार्गदर्शन आपको मिलता है? पूरा मार्गदर्शन, सबसे बड़ी चीज कहूंगी कि मुझे आगे लाने में, चाहे पार्षद ही हो, बड़ी समस्या रहती है कि जो मैंने कहा था ना कि घर परिवार से सपोर्ट मिलने के बाद भी एक अंदर भी एक हिम्मत होनी चाहिए,
और वो अब मैं क्या कहूँ, महापौर के दायित्व पर भी थे वो, उन्हें पूरा मतलब वो मात्र महापौर नहीं थे, वो पार्षद भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे और महापौर भी रहे, तो नगर नियम के हर पद को उन्होंने विभूषित किया, तो उनको नगर नियम का कोना कोना पता है कि कहाँ पे क्या कैसा काम होता है। और साथ ही साथ वो सिविल इंजीनियर होने के कारण जो विकास कार्य होते हैं उनमें क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है, हम लोग टेक्निकल नहीं होते, हमें नहीं पता कि किसमें कितनी गिट्टी डालना है, कितनी रेता डालनी है और कितनी सीमेंट डालनी है, पर वो चूंकि सिविल इंजीनियर है उनको सब कुछ पता है कि कौन कॉन्ट्रैक्टर और कौन ठेकेदार हमें बेवकूफ बना रहा है, तो उसके चलते वो नहीं बना सकता है, कम से कम उसको वो डर है कि अगर मैं बनाऊंगा अगर बेवकूफ तो मेरी हाजिरी लग जाएगी, तो इसलिए मुझे ये पूरा मार्गदर्शन मिलता है कम से कम, ये मुझे बहुत, और इस तरीके से मुझे पूरा का पूरा उनका योगदान मिलता है, उनका सहयोग मिलता है, पूरा मार्गदर्शन मिलता है। मैम एज अ वुमेन आप अपनी पर्सनल लाइफ को कितना समय दे पाती हैं? अभी तो फिलहाल नहीं दे पाती, फिर भी रात को 9-10 बजे जब भी घर जाती हूँ परिवार वालों के साथ, पहले घंटों मिलता था अब नहीं मिल पाता है, अभी मिनटों में ही खुश हो जाती हूँ। नहीं क्योंकि ये होता है कि जो वर्किंग वुमेन होती है ऑफिस भी मैनेज करना घर भी मैनेज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर हर। अभी फिलहाल तो मैं घर मैनेज नहीं कर पाती हूँ, झूठ क्यों बोलना, परिवार वाले साथ हैं इसलिए सब कुछ है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, देवरानी घर में है, वो पूरा काम संभालती है, इसलिए मैं आज यहाँ पर कर सकती हूँ, जब कभी फुर्सत के क्षण होते हैं तो किचन में उसका हाथ बटाती हूँ, पहले मैं इनिशियल पोजीशन पर रहती थी और वो सहकारी की भूमिका में रहती थी, अब वो इनिशियल स्टेज पर रहती हूँ, मैं सहकारी की भूमिका में हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी कहीं पे भी अचानक से जाना पड़ता है, तो मैं अगर बड़ा काम हाथ में किचन का लूँ और आधा अधूरा छोड़ के भाग जाऊँ उससे अच्छा है कि मैं सहकारी की भूमिका में रहूँ, छोटा काम लूँ उतना पूर्ण करूँ और चली जाऊँ। आपकी आने वाली राजनीतिक योजनाएं क्या हैं? महापौर के कार्यकाल के उपरांत क्या किसी विधानसभा से चुनाव लड़ते आपको देखा जा सकता है? अभी मैंने कुछ नहीं सोचा क्योंकि ये सब कुछ जो चीजें हम लोग तो माध्यम है, जो भगवान देता है, मैं एक रंगकर्मी हूँ, स्टेज पर हमेशा से मैंने रोल किए हैं और मैंने कभी भी कोई भी रोल मांगा नहीं कि मुझे यही रोल चाहिए है, डायरेक्टर ने मुझे जो रोल दिया वो मैंने बखूबी निभाया और जो रोल मुझे अगर 4 सेंटेंस का भी रोल है तब भी वो मैंने निभाया, पर मैं ताली लेकर गई, मुझे ताली से मतलब है, मैं जो रोल करूंगी स्टेज पे जो मैं एक्ट करूंगी उसे सराहा जाए, बस यही मेरा उद्देश्य रहता है, तो मुझे ये रोल मिला है मैं कर रही हूँ, उसमें मुझे सराहना मिलनी चाहिए, उस कदर में कार्य करूंगी जी। आगे का कुछ नहीं सोचा। ऐसा कहा जा रहा है कि पश्चिम से सदानंद गोखले जी चुनाव लड़ सकते हैं, कितना सच है इन बातों में? क्या बता सकती हूँ कल क्या होने वाला है नहीं पता है, आज क्या बताऊँ, अभी तो 2018 में चुनाव है। जाते जाते शहर वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, स्पेशली हमारे वुमेन्स को? निश्चित रूप से एक शहरवासियों को भी बताऊंगी कि जो हम चाहते हैं, जो हमारे साथ ना हो ऐसा हम चाहते हैं वो सामने वालों के साथ भी ना करें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर के सामने दूसरा कचरा लाकर ना डाले तो हमने भी उनके घर के सामने कचरा लाकर नहीं डालना चाहिए, हमारा घर साफ सुथरा रहना चाहिए इसलिए दूसरों का भी घर साफ सुथरा रहना चाहिए, मात्र अपने तक सीमित मत रहिए, हमारा घर हमारा वार्ड हमारी गली छोटी छोटी कड़िया मिल मिल के ही बड़ी कड़ी होती है, वो देश तक पहुंचती है, अपने मन में हमेशा से देश के प्रति स्वाभिमान की भावना रखिए, गर्व की भावना रखिए, क्योंकि हमें जो समाज में रहना है वो देशवासी होकर के भारतवासी बनकर ही रहना है, और महिलाओं पे यही कहूंगी कि महिलाएं अक्सर घर के अंदर हो जाती है, बहुत सी ऐसी उनकी आशाएं होती है आकांक्षाएं होती है, कुछ करने के हौसले होते हैं इच्छा आकांक्षाएं होती है, वो विवाह के बाद कभी कभी दब जाती है, बहुत बार ऐसा भी होता है बहुत से घरों में कि परिवार से सपोर्ट मिलने के बावजूद महिलाओं में ही वो
चीजें नहीं रहती कि अब हमें जाकर के कुछ करना है, अब इस उम्र में जाकर के क्या करूंगी, ये अक्सर कहा जाता है। अब कहा तब क्या करना चाहती थी तब नहीं करने दिया। परंतु यही कहना चाहूंगी कि कोई भी चीज सीखने के लिए या कोई भी चीज करने के लिए कभी उम्र का तकाजा नहीं होता। जब करने को मौका मिले तब करना चाहिए। आपके अंदर जो प्रतिभा है उसका उसको उजागरता मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपके अंदर जो प्रतिभा दी है वो आपकी अपनी नहीं है, वो भगवान ने आपके मार्फत इस समाज को दी है। परंतु समाज ऋण कहीं ना कहीं आंशिक रूप में तो हम उसे चुका सकते हैं, इसलिए अपने प्रतिभाओं को हमेशा से उनका उपयोग करिए और आगे बढ़िए। आज हमारे साथ थी हमारे शहर की महापौर डॉक्टर स्वाति सदानंद गोडबोले जी, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छे कार्य हमारे जबलपुर के लिए किए हैं, और वह एक उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है वुमेन एम्पावरमेंट का, महिला सशक्तिकरण का, जो अपने सारे कार्य बहुत ही ईमानदारी के साथ और निष्ठापूर्वक करते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। नमस्कार।